आप देख रहे हैं DIY क्राफ्ट मैजिक और मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं बहुत ही ब्यूटीफुल सा माता रानी का ड्रेस, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि में तरह तरह के ड्रेसेस माता रानी को पहनाए जाते हैं। हर दिन अलग अलग के ड्रेस हम पहनाते हैं। तो ये ड्रेस मैं बना रही हूँ ब्रह्मचारिणी माता के लिए, यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम किस रंग का ड्रेस बनाएंगे और हरे रंग का ड्रेस ही हम क्यों पहनाते हैं माता ब्रह्मचारिणी को, क्योंकि दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को हम हरे रंग का वस्त्र इसलिए पहनाते हैं क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसलिए आज के दिन माता को खुश करने के लिए हमें हरे रंग का वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए और हरे रंग का वस्त्र माता रानी को भी पहनाना चाहिए। इससे हर मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए, ये तो अब देखते हैं कि इस वस्त्र को मैंने बनाया कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप मूर्ति का पूजा हैं तो उसके लिए तो वस्त्र बनता ही है, लेकिन बहुत लोग फोटो की पूजा करते हैं, तो फोटो पे हम किस तरह का वस्त्र बनाएं और किस तरह कटिंग करें। तो यहाँ पे जिस साइज का आपके पास फोटो है उसके अनुसार आप कपड़े की कटिंग कर लें। यहाँ पे मैं हरे रंग का बना रही हूँ, तो हरे रंग का मेरे पास यहाँ पे देखिए गोटा है और ये मैं यहाँ पे स्टेपलर से इसको सिक्योर कर रही हूँ। आप मशीन से सिलाई कर सकती हैं, ग्लू से चिपका सकती हैं, सुई से सिल सकती हैं। यहाँ पे मैं मशीन नहीं चलाती, ग्लू से भी नहीं चिपकाती, लेकिन सुई और स्टेपलर दोनों का हेल्प मैं लेती हूँ। तो इस तरह मेरे पास चौड़े कलर का गोटा था जिससे कि माता रानी की चुनरी बनाई जा सके, तो इस तरह मैंने इसको लगाया है जिसे बॉर्डर बनाया है मैंने हरे रंग के गोटे से। अगर आपके पास हरे रंग का नहीं है गोटा तो आप गोल्डन कलर का लगा सकती हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का लगा सकती हैं, वाइट कलर का लगा सकती हैं, येलो कलर का लगा सकती हैं, तो किसी भी तरह का लगाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी कलर का नहीं है, आपके पास सिर्फ गोल्डन कलर का पट्टी है, तो आप गोल्डन कलर की पट्टी से भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो इस तरह यहाँ पे देखिए मैं सुई के हेल्प से इस सभी को सिक्योर कर ले रही हूँ। बड़े बड़े सिलाइयाँ करती हूँ यहाँ पे मैं, और छोटे छोटे अपने अनुसार देख के, जिससे कि आपका दिखे भी नहीं और जो आपका चुनरी है बहुत खूबसूरत भी बने। तो यहाँ पे देखिए मैंने आसानी से सुई से सिल लिया है, ये देखिए, और दोनों तरफ से इसको सिल कर सिक्योर कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से माता रानी की चुनरी सिल गई। अब यहाँ पे गोटे पे जो ये डिज़ाइन बने हुए हैं फ्लावर के और लीफ के, तो इनको मैं कट करके और निकाल लूँगी, क्योंकि बीच में चुनरी के बीच में हमें डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पे आप अपने पसंद की कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हैं, और अगर आपके आइडिया डिज़ाइन के तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इन सभी को कटिंग करके मैं निकाल ले रही हूँ, इस तरह कट करके शेप इसका देके और इसे बाहर कर लेंगे, ये देखिए। अब आप इसे चिपका सकती हैं या आप इसे सुई से सिल सकती हैं, स्टेपलर से कर सकती हैं। तो स्टेपलर से मैंने नहीं किया, मैं इसको ग्लू के हेल्प से इसको मैं पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि आसानी से पेस्ट हो जाता है। फैब्रिक क्लाय ग्लू से ही आप इसको चिपकाइए तो आसानी से ये चिपक जाएगा। और ये देखिए माता रानी का ये जो लहंगा है बनके बिल्कुल तैयार हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब बारी आती है कि माता रानी के फ़ोटो पे जब पीछे हमें सिक्योर करने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पर हरे रंग का पतला सा लेस मैंने लिया है और इसको इस पर लगा के सिक्योर कर लेंगे, ये देखिए। जैसे कि फ़ोटो के पीछे लहंगा टिका रहे इसके लिए आप देखी होंगी कि हम इसको माता रानी के पीछे धागा बांधते हैं, तो इसलिए ये डोरी मैंने यहाँ पे लगा दी है और इसे इसको हम जब लहंगा पहनाएंगे उनको तो उसे सिक्योर कर लेंगे, है ना, बहुत ही सिंपल। और आपने देखा कि मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ये चुनरी बन गई बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन के धागे थे बहुत ही अच्छे थे। तो ये देखिए अब आती है माता रानी की चुनरी बनाने, यानी कि फ़ोटो के ऊपर जो हम जिसे माता रानी का सर ढकते हैं, तो सेम मैंने जिस कलर का लहंगा बनाया उस तरह का गोटा मैंने चिपका लिया है और इसको इस तरह मैं टैप टैप कर दे रही हूँ यहाँ पे स्टेपलर के हेल्प से, इसे जल्दी हो जाता है। और सुई के हेल्प से या स्टेपलर के हेल्प से इसको हम इस तरह कर लेंगे जिससे कि आसानी से ये हो जाता है, ये देखिए। अगर आप चाहें तो आप सुई की भी हेल्प ले सकती हैं और इसे हम उल्टा कर लेंगे। तो ये आपकी चुनरी बनके बिल्कुल तैयार हो गई, खूबसूरत सी माता रानी की चुनरी तैयार है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस नवरात्रि माता रानी को ये चुनरी जरूर पहनाइएगा। जय माता दी।